हेलो लवली सब्सक्राइबर्स, और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जाना कहाँ, यहीं पे नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाओ और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो हैं वीडियोस के वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ना आज मेरा मन कर रहा था कि मैं जापनीज स्टाइल नूडल्स बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने लिया यिप्पी का पैकेट। और मैगी का मैंने नहीं लिया बिकॉज मुझे यिप्पी का मसाला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें जो छोटी छोटी वेजीज आती है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने यिप्पी को बॉईल कर लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करा ताकि वो नॉन स्टिक रहे ठंडा होने के बाद भी। और फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो सूखने के बाद कुछ ज़्यादा ही सूख जाती है। फिर उसको प्लेट में रख के साइड में रख दिया। दल लिया है एक पैन, उसमें ऐड करा थोड़ा सा ऑयल और गार्लिक ऐड करा है स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में अनियन। उसके बाद ऐड करा है बड़े बड़े पीसेस में कैप्सिकम, अनियन, जैसा कि हम पिज़्ज़ा में ऐड करते हैं। हम नहीं मतलब मैं, हाँ मैं जनरली पिज़्ज़ा में मतलब इतने बड़े बड़े पीसेस यूज़ करती हूँ क्योंकि ना बड़े बड़े पीसेस रहते हैं ना, तो जो मन करता है वो खाती हूँ, जो नहीं पसंद वेजेस उसको साइड में रख देती हूँ। उसके बाद ऐड करा है मैंने बड़े बड़े पीसेस में टमाटर। और फिर मैंने फ़ोटो खींचने के चक्कर में जो हमारा वेजिस था वो भी हो चुका था। उसके बाद ऐड करा है सोया सॉस जो कि सोया हुआ था। और उसके बाद ऐड करा है थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, मिक्सचर था उसका, ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्राइट ऐड नहीं करा है, तो अब कमेंट में स्प्राइट मत बोलना। यहाँ पे मैंने ऐड करा है वाटर जो कि मैंने स्प्राइट की बॉटल में रखा था। फिर ऐड करा है हमारा नॉन स्टिकी नूडल्स और इसको अच्छे से मिक्स करना है हाई फ्लेम पे। फिर से थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे बिकॉज ये सूख चुका था इसलिए। उसके बाद ऐड करा है माय फेवरेट मसाला यिप्पी का मसाला। एंड अब मैं ऐड करूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको डालने से कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है और तीखापन भी बढ़ जाता है। और लाइटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है वीडियोज़ में बिकॉज ये मैं रात को शूट कर रही थी 11 बजे इसलिए, पर कोई नहीं। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ थी ना मतलब सॉल्ट, उसको मैं भूल ही गई थी मोस्टली, मतलब ये भी ऐड करना है मुझे, तो मैंने लास्ट में सॉल्ट भी ऐड कर दिया। और क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मैगी वगैरह बनाती हूँ उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करती बिकॉज मैं प्लेन मैगी को ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए। और फिर जो हमारा जैपनीज स्टाइल नूडल्स है वो भी रेडी हो चुका है और आप इसको इन्जॉय करो। और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था, मतलब इसकी जो स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रही थी। आप बताओ कि आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया, और आया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया ना आपने, नहीं किया तो फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।